अगर आपका कद छोटा है तो शायद बड़े शूज पहनने पे आपका कद ठीक भी हो जाए, पर अगर आपने कैफे से बनानी है और आपके बाइक के टायर छोटे हैं तो आपको बड़े टायर लगाने ही पड़ेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाइक का बैक एंड का सारा काम हो चुका है और पीछे बड़ा टायर भी लग गया और जो चीज़ें एक्सटेंड होनी थी वो भी हो गई हैं, तो आज हमने काम करना फ्रंट एंड पे। और फ्रंट एंड पे पूरी ऐनक हमने चेंज करनी है और साथ ही साथ टायर भी लगाना है फ्रंट पे, और डिस्क ब्रेक और ये छोटी मोटी और दो तीन और चीज़ें। तो इससे पहले मैकेनिक के पास जाते हैं, मैं आप लोगों को सारा सामान दिखा देता हूँ अपनी बाइक का जो फ्रंट एंड पे लगना है और जो मैं खरीद के लाया हूँ, उसके साथ उसको प्राइजेस भी बता देता हूँ उसके साथ। लेकिन आगे की वीडियो देखने से पहले अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी तो जाके आप वो देख लो, उससे आपको बाइक का बैक एंड का सारा काम समझ आ जाएगा। और अगर तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक वगैरह करना है तो वो भी देख लेना। तो ये पूरी फ्रंट एंड कन्वर्जन करने के दो मेन मकसद थे, एक तो ये कि हमारी ब्रेकिंग प्रूफ हो जाए, उसके लिए हमने डिस्क ब्रेक्स यूज़ कर ली, और दूसरा ये कि हमारा जो टायर है वो फिट भी हो जाए, इसलिए हमने ये ऐनक यूज़ की जो कि ओरिजिनल 125 की ऐनक से थोड़ी सी वाइड है। तो इस पूरे सेट के अंदर फ्रंट के दो शॉक्स थे, डिस्क ब्रेक का पूरा सेट था जिसके अंदर डिस्क ब्रेक आ जाती है, उसका पंप आ जाता है और पाइप आ जाता है, और साथ में व्हील हब था और एक्सल था, और ऊपर की दो ऐनक भी थी जो कि शॉक्स को पकड़ती है। तो यार सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली हैं, तो अब टाइम किस बात का ज़ाया करना है, सामान पैक करते हैं, मैकेनिक के पास चलते हैं और बाइक पे लगाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का तब ही सही मज़ा आएगा जब ये चीज़ें बाइक के ऊपर लगेंगी। तो चलो चलते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पे रश भी थोड़ा बहुत होता है, और कुछ हमारे साथ एक हादसा भी हो गया जिसकी वजह से मैं टेंशन में था काफ़ी, और वहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सका कैमरे में क्योंकि मैं परेशान था। शॉर्ट्स वगैरह मैंने काफ़ी वहाँ पे ले लिए थे, तो जो हमारे साथ हादसा पेश आया उसके बारे में एंड में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं जो हमने काम वगैरह किया बाइक पे। तो सबसे पहले तो फ्रंट की ऐनक हमने पूरी खोल ली थी, और जो नया सामान था, नए नई ऐनक थी और जो शाफ्ट थे वो हमने लगाए, और टायर लगाया, और बाइक को सीधा खड़ा करके हमने उसका लेवल देख लिया कि आगे से कितनी ऊंची है और कितनी नीचे है, उसके हिसाब से हमने शाफ्ट की हाइट नाप ली थी कि इतने इतने हमने काटने हैं। वैसे तो अलाइनमेंट सही ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है सही बैठी है। साइड से देखे, पीछे से देखे, बाइक बुरी नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से, बैलेंस बिल्कुल ठीक है इस तरह। ठीक है, बाद में और भी नीचे करनी होगी तो वो हो जाएगी, जितनी नीचे गएंगे हो जाएगी, ऊपर गएंगे ऊपर भी हो जाएगी। वो हाइट नापने के बाद हमने खरादी के पास शाख भेज दिए खोल के, शाखों को खुद ही खोला था मैकेनिक ने, और वो खोल के उस्ताद जी ने भेज दिए थे आगे खरादिया के पास काटने के लिए। तो खरादिया ने ऊपर वाला हिस्सा काट के उसके अंदर एक चूड़ी बना दी थी नई, जिसके अंदर हमारा बोल्ट फिट हो जाना था, और जब वो कट के वापस आ गए थे फिर हमने शाख दोबारा फिट किए, और उसके अंदर का भी एक स्प्रिंग होता है, वो अंदर का स्प्रिंग ग्राइंडर से काटना था, पर चूंकि लाइट नहीं आ रही थी तो वो हमें हथौड़े और एक शार्प सी चीज़ थी उसके मदद से हमने अंदर का स्प्रिंग भी काट दिया था।
ये सब होने के बाद हमारे फ्रंट शॉक की जो थी हाइट बराबर हो गई थी और जिस तरह की हमें हाइट चाहिए थी वो मिल गई थी। हमने ज़्यादा शॉक नीचे नहीं किए थे क्योंकि कल को अगर बाइक नीचे करनी होगी मज़ीद तो वो तो हो जानी थी, पर अगर हमने पहले ज़्यादा काट लेते तो दोबारा ऊपर नहीं हो सकती थी क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप शॉक काट देते हो उससे ऊपर तो नहीं आ सकते, नीचे जा सकते ऊपर नहीं आ सकते। तो हमने तकरीबन एक एक इंच आधा आधा इंच का हमने थोड़ा सा फ़र्क रख दिया था ताकि अगर फ्यूचर में कोई एडजस्टमेंट वगैरह करनी हो तो वो कल को हो सके। और टायर बिठाने के बाद आधे इंच से भी बहुत ज़्यादा कम फ़र्क था दोनों तरफ से टायर के, तो मैं शुक्र ही कह रहा था कि जो टायर है वो आराम से बैठ गया दोनों तरफ। तो जो हमें गिफ्ट मिला था या एक सरप्राइज़ मिला था जो भी कह लो था, तो काफ़ी बुरा ही वो था। कुछ ऐसा कि जब मैं सुबह के टाइम रोशनी में बाइक ले गया था उस्ताद जी के गराज पे, मैकेनिक के पास लेके गया था बाइक में, तो रोशनी के अंदर वो मुझे इंजन पे मैंने जब गौर फरमाया तो इंजन की किक वाली साइड पे टापे के ऊपर दो क्रैक्स आए हुए थे। कंफ्यूजिंग तो काफ़ी है पर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रैक्स आए कैसे हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि ना तो वो इंजन चला है इतना, ना उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, और पर हाँ वो दुकानों पे खड़ा हुआ है बाइक मेरा क्योंकि जब उसका काम करवाया डेंटिंग का थोड़ा बहुत इधर उधर का तो एक दो दिन बाहर खड़ा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद किसी से बाइक गिरी हो उस वजह से हो गया हो, लेकिन इंजन के टापे के अंदर इस तरह क्रैक इतने आराम से नहीं आता। तो अब हाँ एक गिफ्ट तो मिला है हमें, एक अब नज़र लगी है किसी की या नहीं लगी जो भी है, अब बात यह है कि एक हर्डल आना होता है, वो हर्डल आया अब उसको क्रॉस करना है हमने। अब उस्ताद जी को मैंने कह दिया कि इसका टापा ढूंढ के ला दें, अगर तो इसका टापा ना मिला तो उसका दूसरा ऑप्शन ये होगा कि हम नया 125 का जो टापा होता है, नए 125 का जो राइट वाला टापा होता है उसकी फिटिंग इस पर बिठा लेंगे। अब वो देखते हैं किस तरह होता है, इस चीज़ पर मैं पूरी वीडियो वगैरह तो नहीं बनाऊँगा, वो कर लेंगे किसी तरह, अगर तो टापा मिल गया तो वो लगा लेंगे, अगर ना मिला तो फिर 125 की जो नए 125 का टापा आता है उसकी फिटिंग बिठा के वो लगा लेंगे। इस बारे में मैं इतनी डिटेल से बात करना तो नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता नहीं था ये हुआ कैसे है। अब जब भी मैं बाइक चलाता था मैक्सिमम एक या दो दफ़ा मैंने बाइक चलाई है जब मैंने इसका टेस्ट रन किया था, और जब भी मैंने टेस्ट रन करने के बाद मैं बाइक का पूरा डिटेल इंस्पेक्शन करता था कि कहीं से तेल लीक हो रहा हो या कहीं पे कोई मसला आ रहा हो, तो ये क्रैक्स तब नहीं आए, ना ये चलाने पे आए हैं, ना ये कोई किक वगैरह मारने से आए हैं, क्योंकि किक का जो शाफ्ट होता है वो पीछे से आता है, किक मारने से क्रैक नहीं आ सकता टापे में। अब मुझे इसकी वजह नहीं पता थी तो इसलिए मैं इस बारे में इतनी डिटेल से बात नहीं करना चाहता था, पर इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के मसले आप लोगों के पेश आ सकते हैं तो इन चीज़ों के हल निकल आते हैं, इसके बारे में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आती हैं और सॉल्व हो जाती हैं और कुछ ना कुछ आपको सिखा के ज़रूर जाती हैं। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग अपने कैफे रेसर्स या अगर आपके स्टॉक बाइक्स हैं उनको थोड़ा बहुत तैयार किया हुआ है तो उसकी पिक्चर्स मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो, हो सकता है मैं आगे वीडियो बनाऊँ उसमें आप लोग के बाइक्स रिव्यू करूँ, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मसले आते आते रहते हैं उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट है उस पर फोकस करना चाहिए।